अभी साल 2023 चल रहा है, तो इसके अंदर भी कई पतियों के मेरे पास में ऐसे सवाल आ रहे हैं कि सर साल 2023 के अंदर आईपीसी 498A का केस कितने दिन चलेगा और इसका अंतिम निर्णय है जो क्या होगा। देखो यहाँ पे अगर आपके ऊपर आईपीसी 498A का केस चल रहा है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही अहम है। इसकी जानकारी आपको ऊपर अंत तक वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरी वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र और आज यहां पे मैं क्लियर करने वाला हूं। देखो ऐसे है जो बहुत सारे सवाल दिनों दिन मेरे पास में आते रहते हैं, क्योंकि जिनके ऊपर भी आईपीसी 498 का केस होता है, पति पक्ष के ऊपर जैसे आईपीसी 498 का झूठा केस हुआ है, तो पति पक्ष को ये चिंता होती है, एक स्ट्रगल है जो बिना वजह पति पक्ष को उस झूठे केस के अंदर करना पड़ जाता है। देखो सच्चा केस हुआ है उसकी अलग बात, अगर यहाँ पे पति पक्ष ने रियल में है जो पत्नी के साथ में गलत किया है और उनके ऊपर अगर पत्नी ने ये केस किया है आईपीसी 498 का, तो पत्नी ने है जो सही किया है। पर यहाँ पे जिन पतियों के ऊपर झूठा आईपीसी 498 का केस होता है तो उनको है जो ये चिंता सताई जाती है, एक परेशानी यानी कि एक टेंशन है जो हमेशा उनके मन के अंदर रहती है कि बिना वजह एक तो हमारे ऊपर आईपीसी 498 का केस हुआ है, हमें है जो इस केस के अंदर परेशान होना पड़ रहा है, हमारा पैसा भी लग रहा है। तो उनका है जो बार बार यही पूछना होता है, यही कहना होता है कि सर आईपीसी 498 का केस आखिरकार कितने समय तक चलेगा और इसका अंतिम परिणाम है जो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी तो ऐसी कोई गलती है नहीं, पत्नी ने जो हमारे पर झूठा केस किया है, तो यहाँ पे झूठे केस के अंदर हम परेशान क्यों हो, और यहाँ पे अगर ये केस चलता भी है तो कितने समय के अंदर अंत हो जाएगा, कब है जो हमें इस केस से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा केस है जो झूठा है। देखो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अब तक जो 2022 तक आप देखते आए हैं उसी तरीके से अभी जो 2023 है और आने वाली जो भी नई साल है उनके अंदर भी एक ही सिस्टम है जो लागू होने वाला है। देखो सिस्टम इस तरीके से होगा कि अगर आपकी कोई भी गलती नहीं है, आपके ऊपर अगर झूठा आईपीसी 498 का केस हुआ है, तो इसके अंदर क्या, देखो दो तीन प्रोसीजर होते हैं केस को जल्दी खत्म करवाने के लिए। देखो आप ये कर सकते हैं कि एफआईआर बेस पे आप क्यूएसिंग के लिए डायरेक्ट हाईकोर्ट जा सकते हैं 482 में, अगर आपके ग्राउंड मजबूत है और हाईकोर्ट के अंदर भी है जो आपके एक अच्छे एडवोकेट मिल जाते हैं, तो उनके माध्यम से आप क्यूएसिंग पिटीशन है जो हाईकोर्ट के अंदर डालकर आईपीसी 498 केस को कम समय के अंदर खत्म करवा सकते हैं। और यहाँ पे आगे ये भी प्रोसीजर आता है कि जैसे अगर आप क्यूएसिंग के लिए एफआईआर बेस पे नहीं जाते हैं तो आप चार्जशीट बेस पे भी है जो हाईकोर्ट के अंदर जा सकते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले चार्जशीट बनेगी, फिर चार्जशीट कोर्ट के अंदर पेश होगी, उस चार्जशीट के बेस पे फिर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये टाइम आपका लग जाएगा। अगला ये है कि अगर आपका केस ट्रायल के अंदर जाता है तो ट्रायल के अंदर तो क्या होता है कि पूरी प्रक्रिया को देखा जाता है, यानी कि जो भी एविडेंस है, विटनेस है, यानी कि केस की जो भी प्रक्रिया है, टोटली प्रक्रिया है जो वहाँ पर ट्रायल के अंदर होगी उसके तहत ही है जो परिणाम आएगा। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि जैसे ही आपके ऊपर झूठा केस होता है और उसकी अगर आप क्वेश्चनिंग पिटीशन डालते हैं हाईकोर्ट के अंदर, और रेगुलरली अगर हाईकोर्ट के अंदर है जो क्वेश्चनिंग की प्रक्रिया चलती है, कोई भी डेट वगैरह है जो फालतू मिस वगैरह नहीं होती है, तो यहाँ पे आपका जो परिणाम है, इस केस का जो फाइनल रिजल्ट है, यानी कि क्वेश्चनिंग अगर हो जाती है तो वो क्वेश्चनिंग हो जाएगी विद इन 6 मंथ के अंदर, यानी कि इससे ज़्यादा है जो टाइम नहीं लगेगा रेगुलर प्रक्रिया वहाँ पर चलती है तो। और दूसरा अगर ये केस है जो ट्रायल के अंदर जाता है, ट्रायल कोर्ट के अंदर, तो इसमें टाइम लगेगा 2 से 3 साल का, यानी कि आईपीसी 498 के केस खत्म होने के अंदर। तो ये एक एवरेज टाइम है, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, यानी कि एक जो लमसम जो टाइम है वो मैं यहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ कि इतना टाइम तो है जो नॉर्मली लगी जाता है। अब अपन बात करें इसके अंतिम परिणाम की, यानी कि इसका जो अंतिम परिणाम है वो क्या होगा। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर झूठा आईपीसी 498 का केस पति के ऊपर हुआ है तो यहाँ पे पति को कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पति है जो आराम से इस केस से बरी हो जाएंगे। और दूसरा अगर पत्नी यहाँ पे सच्चा केस पति के ऊपर करती है तो यहाँ पे पति को पनिशमेंट मिल जाएगी। जानकारी हमें समझ में आ गई तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।